दिग्या न्यूज में आपका स्वागत है। दिग्या न्यूज को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाएं और न्यूज अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाएं। दिग्या न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि। अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विस्तार से पुलवामा हमले के शहीदों के सम्मान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की औरंगाबाद जिला इकाई ने आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। गांधी मैदान से निकली ये तिरंगा यात्रा रमेश चौक होते हुए बाईपास तक गई, जहां से वापस गेट स्कूल मैदान पहुंचकर समाप्त हो गई। इस यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष समेत बच्चे भी शामिल थे, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि शहीदों की ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने भारत सरकार से इसका बदला जल्द से जल्द लेने की अपील भी की। सभी के सहयोग से बहुत अच्छा रहा और औरंगाबाद जिले में एक ऐतिहासिक आयोजन रहा और एक अच्छा मैसेज गया, पूरा इतिहास को दिखाया है। औरंगाबाद निवासी ने सभी का भरपूर सहयोग रहा, योगदान रहा और सभी साथ मिलकर के भारत माता की जय और पाकिस्तान मुर्दाबाद वीर शहीदों अमर रहे के नारा लगाते हुए पूरे औरंगाबाद को गुंजा उठे और सभी एक साथ मिलकर कदम से कदम मिला करके तिरंगे के नीचे आ करके और भारत ये होने का संकल्प लिया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का संकल्प लिया है। आज पुलवामा में जो शहीद 44 जवान हुए थे, उन शहीदों के सम्मान में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद औरंगाबाद इकाई के द्वारा 1 किलोमीटर का तिरंगा यात्रा निकाल के हम उनके साथ खड़े हैं। एक ऐसा मैसेज देने के लिए हम उनके लिए खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, ऐसा मैसेज देने के लिए 1 किलोमीटर का तिरंगा यात्रा निकाला गया था, जिसमें शहर के अलग अलग क्षेत्रों के सभी बुद्धिजीवी, छात्र, सामाजिक संगठन, शैक्षणिक संस्थान का एक बड़ा सहयोग रहा और कार्यक्रम सफल हुए। गांधी मैदान से निकलते रमेश चौक से बाईपास होते हुए गेट स्कूल के मैदान में 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के आसपास यह तिरंगा यात्रा चली।
माँ विंध्यवासिनी डिजिटल इंडिया केबल नेटवर्क लेकर आया है बेजोड़ वीडियो क्वालिटी के साथ NXT डिजिटल केबल, जहां आप पाएंगे SD सेट टॉप बॉक्स में भी HD वीडियो क्वालिटी, अच्छे वीडियो क्वालिटी के साथ TV देखने के लिए आज ही अपने घर में लगाएं NXT डिजिटल केबल। NXT केबल ऑपरेटर बनने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। औरंगाबाद के हसपुरा थाना क्षेत्र के कोलवा टोले करण बिगहा गांव में अपराधियों ने एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी है। बताया जाता है कि बीती रात मृतक संजय चौधरी घर से कुछ ही दूरी पर ताड़ी उतारने गया था, मगर जब सुबह तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। खोजबीन करने के दौरान परिजन जब गांव के बागीचे में पहुंचे तो उसका शव पड़ा देखा। शव के पैर बंधे हुए थे और शरीर के कई हिस्सों में गहरे चोट और जख्म का निशान भी नजर आया। परिजनों ने इसकी सूचना हसपुरा पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। हालांकि मौत कैसे हुई और किसने की, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हो सका है, मगर परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है जिस पर पुलिस छानबीन कर रही है। सर घटना कोई मार दिया है, कार पर से तो गिरता तो मर जाता तुरंत, देख रहे हैं पूरा मार किया है, चोट का निशान है। हाँ कहाँ कहाँ चोट है? पूरा कंबोलड़ी में है, हाथ में है, पूरा अरकोसा है पूरा हुआ है, वो अरकोसा पूरा हुआ है और फिर इधर मगज में है, चोट लगल है, पूरा खून है, कनबजड़ी में है, पूरा सगरों में नकी मनकी मारा हुआ है। किससे से मारा हुआ लग रहा है? ये लग रहा है कि कुछ रड उड से मारा हुआ है। तो ड्यूटी में थे। अच्छा है ना, खबर हुआ तो हम लोग गए उठा कर लाए। क्या खबर हुआ, क्या जानकारी मिला? है ना बड़ा कहीं चलना है तो डेड बॉडी वहाँ है, मर गया है। अच्छा तो हम लोग गए, सब कागज तो बना, कागज बनने के बाद में हम लोग पोस्टमार्टम के लिए लाए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा देश भारत बिजली के मामले में न सिर्फ आत्मनिर्भर बन गया है बल्कि नेपाल बांग्लादेश जैसे देशों को उनकी आवश्यकता अनुसार बिजली दे भी रहा है। औरंगाबाद के नबी नगर स्थित विद्युत परियोजना BRBCL के तीसरे यूनिट से बिजली के व्यावसायिक उत्पादन की शुरुआत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के दो राज्यों के कुछ एक घरों को छोड़कर कोई भी घर अभी ऐसा नहीं बचा है जहां बिजली का कनेक्शन नहीं हो। BRBCL में 4 यूनिट, उसमें से 2 यूनिट का COD पहले हो चुका था, यानी दो यूनिट राष्ट्र को पहले समर्पित हो चुके थे कंप्लीट होने के बाद। आज तीसरा यूनिट कंप्लीट होने के बाद राष्ट्र को समर्पित हुआ और अब पूरी तरह से COD जिसको कहते हैं ऑनलाइन जनरेट कर रहा है और 250 मेगावाट की क्षमता है, वो 253 मेगावाट पर जनरेशन कर रहा क्षमता से थोड़ा अधिक। अब सिर्फ एक यूनिट बचा है 250 मेगावाट का, जिसका कि दिसंबर में आप लोग कंप्लीशन कर देंगे। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ NTPC के CMD साहब को, उनके पदाधिकारियों को, उनके कर्मचारियों को, जो इन्होंने इसको सफल किया, इसका स्थापना। कठिनाई थी, यहाँ पर काफ़ी कठिनाइयाँ थी, लेकिन ये टीम आकर के उन सारी कठिनाइयों को समाधान करके इसको स्थापित किया है। और ऊर्जा की अहमता तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन, थैंक यू सर। ये देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में तो हम लोगों ने आमूल परिवर्तन लाया, ये सरकार ने आमूल परिवर्तन लाया। पहली बार हम लोगों ने अपने कार्यकाल में देश को ऊर्जा सरप्लस बनाया। अब हमारी जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा हमने क्षमता स्थापित कर दी है। अब हम दूसरे देशों को पावर एक्सपोर्ट करते हैं, नेपाल को, बांग्लादेश को, अब म्यांमार को भी करेंगे। पहली बार हमने पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ा है, पहली बार। अब हम देश के किसी भी कोने में पावर जनरेट करके किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं और ये एक ग्रिड है, एक फ्रीक्वेंसी है। पहली बार हमने ये सुनिश्चित किया है कि देश के सुदूर गांव तक और टोलों तक हम बिजली पहुंचा दें। आज के दिन में कोई गांव नहीं बचा है जहां पर कि बिजली नहीं पहुंची। और पहली बार हमने ये सुनिश्चित किया है कि देश भर में
जितने भी लोग चाहते हैं जितने भी घर चाहते हैं बिजली का कनेक्शन, जिनको बिजली का कनेक्शन नहीं था उनको बिजली का कनेक्शन मिल गया है। सभी राज्यों में सभी घरों का हमने कनेक्शन कर दिया है। अब दो ही राज्य में कुछ घर बचे हैं, वो हैं छत्तीसगढ़ और राजस्थान। अब वो भी हैं उनके कठिन क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ में बस्तर इलाके में जो चार जिले हैं वहाँ करीब 18-19 हज़ार घर बचे हैं, और राजस्थान में 3-4 जिले में बचे हैं। बाकी सभी राज्यों के सभी घरों को हमने कनेक्शन दे दिया है। तो पहली बार हम लोगों ने आज़ादी के बाद हर घर में रोशनी पहुंचाई।